सब सबको पता है अभी कुछ ही दिन के अंदर Xiaomi Redmi Note 11 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। आपको पता होगा जैसे iPhone 13 लॉन्च हुआ था उससे पहले ही iPhone 14 के लीक्स और रूमर्स निकलकर सामने आ गया था और इसके एग्जैक्ट डिजाइन भी निकलकर सामने आ गया था। यहाँ पर कुछ मामला ऐसे होने वाला है क्योंकि Redmi Note 11 लॉन्च से पहले ही Redmi Note 12 स्मार्टफोन के बारे में बात शुरू हो गई है। हम सबको इतना तो कंफर्म पता है जब भी Xiaomi Redmi Note सीरीज के अंदर जो स्मार्टफोन लॉन्च करेगा तो हम लोगों को जरूर पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की तो स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात तो नहीं कर सकते, पर Xiaomi भारत के अंदर जबरदस्त फ्यूचर्स एक मिड रेंज प्रीमियम स्मार्टफोन्स लॉन्च करते ही आ रहा है और हमेशा शायद करता भी रहेगा। खैर इसको हम साइड में करते हुए Xiaomi Redmi Note 12 के बारे में बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi Redmi Note 12 Ultra स्मार्टफोन जो कि प्रीमियम एडिशन वाली स्मार्टफोन होने वाली है। जो अब तक जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं उनमें से कैमरा क्वालिटी बढ़कर इसमें होने वाली है, यानी कि प्राइमरी सेंसर की बात करें तो 200 मेगापिक्सल बैक साइड में प्राइमरी सेंसर दी जाएगी। कैमरा के बारे में आपकी क्या राय होने वाला है चार सेक्शन में बता सकते हो। बाकी दो कैमरा दी जाएगी 18 प्लस 8 मेगापिक्सल की कहा जा रहा है। कुल मिलाकर बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दी जाएगी और वो भी डुअल एलईडी फ्लैश के साथ। कैमरा की बात आई चुकी है तो सेल्फी के बारे में बात ना करें तो गलत हो जाएगी। यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैप दी जा सकती है। खैर कैमरा क्वालिटी में Xiaomi की स्मार्टफोन बढ़िया होती है, मैं पर्सनली यूज कर चुका हूँ और अभी भी यूज भी कर रहा हूँ, और मेनली इसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होना बेहद जरूरी है। मैं Redmi Note 10 यूज कर चुका हूँ, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस लाइक शटर्स वगैरह कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था, पर उम्मीद तो यही रहेगी कि Redmi Note 12 के अंदर एक अल्ट्रा एचडी गेमिंग परफॉर्मेंस लाकर दे दे तो बढ़िया हो जाएगा। हजार Qualcomm Snapdragon की तरफ से आने वाला एक नया प्रोसेसर स्मार्टफोन में यूज किया जाएगा जो कौन सा होगा अभी फिलहाल के लिए कोई लीक्स या फिर रूमर्स ज्यादा कुछ बाहर निकल कर नहीं आए। क्या आप लोग रोजाना गेमिंग करना पसंद करते हो या फिर नहीं, चैट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली बता सकते हो। पर इतना बढ़िया स्मार्टफोन है और गेमिंग के लिए जबरदस्त गेमिंग स्क्रीन होना जरूरी है। 144Hz की रिफ्रेश रेट स्मार्टफोन के अंदर दी जाएगी। अमूल्य डिस्प्ले तो हो गए और कहा जा रहा है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ये स्मार्टफोन के अंदर दी जा सकती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25,000 रुपए के अंदर। 6.9 इंच की एक बड़ी स्क्रीन दी जाएगी और इस स्मार्टफोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस दी जाएगी जिसको चार्ज करने के लिए 67W की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट दी जाएगी। जैसे कि हर एक स्मार्टफोन में USB टाइप सी पोर्ट दिया जाता है स्मार्टफोन में भी दिया जाएगा और आईआर ब्लास्टर भी होगा। सबसे जबरदस्त अगर वेरिएंट की बात करें तो काफी सारे कलर्स में स्मार्टफोन अवेलेबल हो जाएगा, पर इसके हायर वेरिएंट 10